नमस्कार दोस्तों दोस्तों दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को बने हुए अब 2 साल 2 महीने का समय बीत चुका है। ये समय कोई कम नहीं होता। इस समय में आम आदमी पार्टी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी के क्षेत्रों में काफी क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। जब हमने दिल्ली में कुछ लोगों से बात की तो 60 से 70% लोग जो इससे लाभान्वित हुए हैं वो प्रत्यक्ष रूप से इस चीज को मानते हैं कि हाँ, आम आदमी पार्टी इस बारे में काम कर रही है और उनको उसके रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोग अभी भी संतुष्ट नहीं है। तो आज का जो ये वीडियो है, हम उन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर दिल्ली में अभी भी काम नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, मुद्दों की डिटेल में जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि दिल्ली एक हाफ स्टेट है। इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट और MCD, ये तीनों मिलकर ये सुनिश्चित करते हैं कि वहां के लोगों को सभी प्रकार की सुविधाएं मिले। तो जिस एरिया में लोग संतुष्ट नहीं है वो जनरली ऐसे एरियाज हैं जो MCD में आते हैं। MCD पर BJP का पिछले 10 सालों से राज है। लोग परेशान हैं कि रोड्स की मेंटेनेंस नहीं हो रही है और उनकी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दिल्ली की टोटल जो रोड्स हैं समवेयर अराउंड 30,000 किलोमीटर के आसपास है, जिसका 88% हिस्सा MCD के अंदर आता है, जो कि उनको मेंटेन करना होता है, जिसमें रोड की मरम्मत, उसकी क्लीनिंग सब आती है। ऐसे ही दिल्ली का जो लार्जर ड्रेनेज सिस्टम है, आपकी सीवर की मेंटेनेंस या फिर जो बारिशों के दिनों में पानी भर जाता है, उसकी निकासी का भी एक मेजर जो परसेंटेज है वो MCD के अंदर आता है। तीसरा जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो प्रत्यक्ष रूप से डेली हम सबको देखने को मिलता है, वो है गार्बेज की प्रॉब्लम। पिछले 10 सालों में BJP MCD में ऐसा कोई भी साइंटिफिक सॉलिड मैनेजमेंट का फार्मूला नहीं ला पाई है जिससे कि दिल्ली की गार्बेज की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। इन सब के मेजर कारण क्या है? आप समय समय पर सुनते रहते होंगे कि MCD में भ्रष्टाचार व्यापक तौर से फैला हुआ है। हमने हाल ही में सुना था कि 26,000 से ज्यादा घोस्ट इंप्लॉयज अकाउंट है, जहां पर सैलरी MCD अपने इंप्लॉयज को देता है लेकिन वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। MCD की एक वेबसाइट तो वर्ल्ड फेमस है, जिस पर पिछले 10 से 12 सालों में 12 से 13 करोड़ का खर्चा आ चुका है, और आज भी अगर आप उस वेबसाइट को खोलकर जाकर देखें तो आपको पता लग जाएगा कि 1 लाख रुपए में भी बनने वाली वेबसाइट पर 13 करोड़ का खर्चा कहां तक जायज है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब भी MCD किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन करती है तो उसके धरने का एक तरीका रहता है कि कूड़े के ढेर लाकर लोगों के घरों के आगे, मोहल्लों के घरों के आगे फेंक दो। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बचकानी हरकत है। यहां पर इस चीज से लड़ने के लिए MCD के चुनाव आ रहे हैं और आपको डिसाइड करना है कि आप अपना वोट किसको दें। आपको यह समझ होनी चाहिए कि MCD में जितनी रोड्स आती हैं उनकी क्लीनिंग MCD डिपार्टमेंट ही करेगा, क्योंकि अभी उस पर BJP का शासन है। तो यह रिस्पॉन्सिबिलिटी BJP की बनती थी कि उनकी क्लीनिंग की जाए, लेकिन पिछले 10 सालों में ऐसा कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है जो कि आपको प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिले। दोस्तों, मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि पिछले साल आम आदमी पार्टी ने रोड्स की वैक्यूम क्लीनिंग करने का इनिशिएटिव लिया था और उन्होंने ये प्रयास किए थे कि वो सभी रोड्स की वैक्यूम क्लीनिंग करें, लेकिन LGG ने आदेश दिए उन्हें कि ये आपके कार्यक्षेत्र से बाहर आता है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके राइट्स नहीं है, तो आप MCD के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, तो इसलिए उन्हें ये प्रयोग रोक देना पड़ा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अपनी दिल्ली को साफ सुथरा बनाए, आप अपनी दिल्ली की MCD में एक बदलाव देखना चाहते हैं, तो आपके पास 22 अप्रैल को फिर से एक मौका है अपने काउंसलर चुनने का और अपनी दिल्ली को साफ सुथरा बनाने का। आपका वोट है, आप सोचिए, आप समझिए, आप देखिए कि जिम्मेवारी किसकी है और उस जिम्मेवारी के हिसाब से आप आकलन कीजिए। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं दोस्तों। अगर आपको कोई भी सजेशन हो या कोई फीडबैक देना हो तो आप इस पे नीचे कमेंट कर सकते हैं और मोर वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।